आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम एक बार फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आपका एचपी टेट जून 2023 का रहेगा, जो कि नॉन मेडिकल का पेपर था। इसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को चाहिए कि, अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में मिसबिहेव करता है और बार बार बिहेव करता है वैसा, ठीक है, तो टीचर को वहाँ पे क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए उसकी, या फिर उसे परामर्श देना चाहिए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि उसे परामर्श देना चाहिए, टीचर को उसे जो है वो काउंसिल करना चाहिए। जैसे जब भी टीचर किसी बच्चे को समझाते हैं तो उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको गाइडेंस दी जाती है, उसको काउंसलिंग उसकी की जाती है। तो काउंसलिंग का मतलब उसे कि परामर्श देना। तो जब भी बच्चा कोई क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे आपने कभी भी पुनिशमेंट वाला ऑप्शन जो है वो टिक नहीं करना है। एज अ एजुकेशन साइकोलॉजी हम बच्चे को कभी भी डांट नहीं सकते, तो वो आपने ध्यान रखना है। डांटने वाला ऑप्शन तो वैसे आपका निग्लेक्ट हो जाएगा, इग्नोर टीचर को नहीं करना है अपनी क्लास में, नहीं तो वो एक नेगेटिव पॉइंट टीचर के लिए रहेगा। आलोचना नहीं की जा सकती, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, कि कंपैरिजन करना है कि आपका जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कितने अच्छे हैं और आप ऐसे मिसबिहेव कर रहे हो, वो कभी वहाँ पे बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है। तो हम उसे परामर्श दे सकते हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, प्रारंभिक मानसिक योग्यता की अवधारणा किसने विकसित की थी? जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का था वो किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट या उसको डिवेल्प किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थ्रस्टन ने सबसे पहले प्रारंभिक मानसिक योग्यता की जो अवधारणा है उसको विकसित किया था, कि बच्चे के अंदर किस तरीके की मेंटल एबिलिटी जो है वो डिवेल्प होती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो थ्रस्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री रहेगा, अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा के बारे में यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ऑप्शन है, सबसे पहला, अभिप्रेरणा केवल आंतरिक होती है, दूसरा है केवल बाहरी होती है, ठीक है, तीसरे में बोला है अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सहायक नहीं है। तो देखिए मोटिवेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए क्या है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप YouTube से किसी की एक मोटिवेशनल वीडियो आप सुनते हो, वो आपके लिए क्या है, एक बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल आपके लिए मोटिवेशन है। लेकिन जब आप अपने अंदर से, आपके अंदर से वो चीज़ वहाँ पे जनरेट होती कि नहीं, मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को टेट जो है वो क्लेरिफाई वहाँ पे क्लियर करना है, तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैं जितना मर्जी समझाता रहूँ, अगर आप खुद से उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वो मोटिवेशन एक्सटर्नल ही रह जाएगी, वो इंटरनल में चेंज नहीं होगी। तो इंटरनल है जब आप खुद उस चीज़ को तैयार करते हैं। तो मोटिवेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीकों से होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा कथन सही है, तो वो ये है कि मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, कि अभिप्रेरणा जो है वो उसकी जरूरत कब होती है, ठीक है, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब हमें अभिप्रेरणा की क्या होती है, नीड होती है। अब जैसे आवश्यकता, ठीक है, आपको जो है वो टेट को क्या करना है, क्लेरिफाई करना है, ठीक है, आपने टेट एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, तो आपको क्या है, उस चीज़ की नीड है, उस चीज़ की नीड को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको मोटिवेशन तो चाहिए, ठीक है। कभी ना कभी हमारी रूटीन जो होती है वो टूट जाती है, तो उस रूटीन को फिर से बनाने के लिए हमें फिर से जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ध्यान रखेंगे मोटिवेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेट करती है लर्निंग से, मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्निंग। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है? तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि उसके द्वारा तीन बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इदम था,
फिर अहम था, परम अहम था, उसके साथ साथ वहां पे कॉन्शियसनेस माइंड की बात की गई थी। तो तीन प्रकार के जो माइंड थे वो उसमें कहा गया था, सबसे पहला था चेतन मन, फिर अचेतन मन होता है, फिर पूर्व चेतन मन होता है, ये तीनों कहे गए थे, लेकिन परम चेतन की कोई भी बात नहीं की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे बताया मन का स्तर नहीं है, तो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड प्री कॉन्शियसनेस की बात सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही गई थी, इसलिए ऑप्शन डी सुपर कॉन्शियसनेस या परम चेतन इसका राइट आंसर नहीं है, सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा बात नहीं कही गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि स्टूडेंट्स को नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। जितने भी बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनको क्या है, रिजल्ट बताना है, आपने रिजल्ट का जो नॉलेज है वो उनको देना है। जैसे किसी बच्चे का टेस्ट ले लिया तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट आप बता रहे हो, ठीक है, कि आपने यहाँ यहाँ पे गलतियाँ की हैं, आपको थोड़ा और सुधार करना है। जैसे अगर मैं आपका एक मॉक पेपर लेता हूँ, आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे मोटिवेट करूंगा कि आपको किस तरीके से जो है वो पढ़ना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो मैं आपको और ज़्यादा वहाँ पे जो है वो आपको जो है वो अप्रिशिएट करूंगा कि आप इससे भी अच्छा रिजल्ट जो है वो लेके आ सकते हो। तो उस वजह से होगा क्या, उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग जो है वो क्या होती है, प्रमोट होती है, अधिगम को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इसके विपरीत वंशानुक्रम का ये नियम क्या कहलाता है। कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं बच्चे वैसे नहीं होते हैं, बच्चे वहाँ पे वैसे नहीं होते हैं, यानी कि कुछ मामलों की बात की गई है, मानसिक क्षमता दिखाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उसके विपरीत होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं तो बच्चे जो होंगे उनके वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ये जो है वो हेरिडिटी के तीन लॉज हैं, जो पिछले कल की क्लास थी उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था, लॉ ऑफ वेरिएशन था, लॉ ऑफ रिग्रेशन था, ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलैरिटी था। तो तीन लॉज थे। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। अगर पेरेंट्स बिल्कुल गोरे हैं, अंग्रेज जैसे बिल्कुल उनकी जो कलर है, अगर वो गोरे हैं तो बच्चे भी ज़्यादा चांस होता है कि वो गोरे ही होंगे, ठीक है, उसको कहा जाता है समानता का नियम। लेकिन यहाँ पे विपरीत की बात की गई है तो उस नियम को कहा जाता है प्रतिगमन या लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हेरिडिटी के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी के लिए कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए। तो इसके ऑप्शन थे जैसे कि मेमोरी है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आपके अंदर क्या होगा, ओरिजिनलिटी होगी, यानी कि आप चीज़ों को जो है वो देख देख के भी आप अपने अंदर जो है वो अपने आइडिया जो है वो ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि आप उस पूरी डिज़ाइन को जो है वो स्टार्टिंग से बनाएंगे, आप उस डिज़ाइन का कुछ और बना देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्रॉस सिंबल बनाया, ठीक है, तो अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसका भी क्या बना दूंगा, डिज़ाइन बना दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे को अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी और एडिशन करके इसको और ज़्यादा जो है वो कलरफुल या इसको मैं फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो बना सकता हूँ। इसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी में मेमोरी की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका आईक्यू के ऊपर बेस्ड है। इसमें ये कहा गया कि एक छात्र की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु जो है वो 8 और 8 है, उसका आईक्यू क्या होगा। देखिए आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज आपको दी है 8, ठीक है, आप यहाँ पे भर दे। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक आयु है वो भी दी है 8, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो 8 से 8 कट गया, आपका जो आईक्यू है वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब ये मैंने आपको कराया है जब इंटेलिजेंसी का हमने चैप्टर किया था, आईक्यू का फॉर्मूला भी बताया है, आईक्यू कौन सी वहाँ पे उसको सेटअप किया जाता है कि एवरेज है, बिलो एवरेज है, उसके पूरे वो आपको पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आईक्यू जो है वो यहाँ पे रहेगा बच्चे का
100, तो 100 जो है यानी कि 90 से लेके 120 तक का जिसका आईक्यू होता है उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, औसत स्तर का, एवरेज लेवल ऑफ, एवरेज लेवल, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है, बाल अपराध का कारण नहीं है, यानी कि बच्चा जो है वो बचपन में अपराध जो है वो नहीं, वो अपनी तरफ से प्रेफर करता है, यानी कि उसका वो कॉजेज नहीं है। तो देखिए, अगर बच्चा इमोशन रहेगा, अगर वो इमोशनल कन्फ्लिक्ट अगर उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं उस इमोशन की वजह से वो क्या कर देगा, कोई ना कोई एक अपराध जो है वो कर सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, अगर उसकी नीड उसकी पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है बच्चा जो है वो चोरी भी करना शुरू कर दे। ठीक है, अब डे बाय डे क्या हो रहा है, हम अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगर फ़ोन है तो उसका रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा, अगर फ़ोन टूट जाता है तो उसको प्रॉपर उसको रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है। अब किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करेगा पैसे का। तो बचपन में कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैसे भी चुरा लेते हैं। देखा देखी में अगर किसी बच्चे के पास एक काफ़ी अच्छी पेंसिल है, अगर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने उसको वो पेंसिल नहीं लेके दी, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे उस चीज़ को चुरा लेते हैं अपने फ्रेंड से ही। तो अगर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब भी बाल अपराध का कारण जो है वो बनता है। या माता पिता का जो निगलेक्टिंग बिहेवियर होता है कि हर बार बच्चे को जो है वो नीचा दिखाया जाता है, तो बच्चा उस वजह से चिढ़ जाता है, उस वजह से वो अपराध कर देता है। लेकिन आकांक्षाओं का संतुलित स्तर, एक बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अगर बच्चों को प्रॉपर ढंग से एक बैलेंस लेवल पे रखा जा रहा है, ठीक है, उसकी हर चीज़ नीड उसकी पूरी भी की जा रही है, और अगर वो हाई एक डिमांड करता है तो उसको वहाँ पे डांटा भी जाता है। तो एक बैलेंस लेवल अगर रखा जाता है, जैसे बच्चे मेले में जाते हैं कई बार जिद करते हैं, अगर छोटी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो पेरेंट्स उसको पहले थोड़ा सा डांटते हैं, उसके बाद वो चीज़ उसको ले देते हैं। लेकिन अगर बच्चा 1,000-2,000 की अगर चीज़ को जिद करे तो पेरेंट्स उसको समझाते हैं, उसको एक बैलेंस तरीके से लेके चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस वजह से बच्चा बाल अपराध जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसऑर्डर से आपको कराया है, डिसग्राफिया क्या होता है। डिसग्राफिया जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है राइटिंग डिसऑर्डर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, डिसग्राफिया जो है वो आपका राइटिंग से है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एक्स एंड वाई आप कॉपी के ऊपर क्या करते हो, लिखते हो। ठीक है, पॉइंट आप क्या करते हो, इसको आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, ड्रॉ करते हो, आप इसको लिखते हो। तो डिसग्राफिया जो है वो ऑप्शन सी, राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, अधिकम का सकारात्मक स्थानांतरण तब संभव है। देखिए, यहाँ पे बात कही गई है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब हमने लर्निंग का कॉन्सेप्ट किया था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती क्या है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आपके द्वारा सीखा गया ज्ञान नई सिचुएशन में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, अगर आपको साइकिल चलाना आती है तो आपके लिए स्कूटी चलाना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी कि आपने जो साइकिल सीखी है, जो पहले का ज्ञान है, अब जो आप स्कूटी सीख रहे हो, तो नए ज्ञान में वो क्या कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको ड्राइविंग करना आती है, आपको गाड़ी चलाने आती है, लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि अब आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। ठीक है, या फिर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, क्योंकि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में आपका कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा है, आपके लिए वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि पहले का सीखा ज्ञान नई चीज में हेल्प करता है। जैसे कि टाइपराइटर होता है, अगर आपको टाइपराइटर चलाना आता है तो इसका मतलब आप कंप्यूटर का कीबोर्ड चला सकते हो। यानी कि पुराना ज्ञान जो है वो नई चीज में हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कार्य क्या होता है, समान होता है। ठीक है, टास्क जब आपके सिमिलर होते हैं तभी आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो पाती है। जैसे कि साइकिल से स्कूटी, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप फोर व्हीकल चलाना सीख रहे हो, स्कूटी से अगर आप गाड़ी सीख रहे हो, तो वो आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं है, क्योंकि स्कूटी का अलग सिस्टम है, गाड़ी का अलग सिस्टम है। लेकिन अगर गाड़ी और बस को कंपेयर करूँ तो वो सिमिलर है, क्योंकि गाड़ी फोर व्हीलर है,
ठीक है, बस भी आपकी फोर व्हीलर है, ठीक है, उसमें भी आपका गियर का एबीसी पैटर्न होता है, एक्सीलेटर क्लच ब्रेक, ठीक है, वैसे गाड़ियों में होता है, मतलब चलाने का सिस्टम अलग है। अगर बाइक और गाड़ी की बात करूँ तो फिर भी वो हल्का फुल्का मैच कर जाता है, लेकिन वो एक डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि जो बाइक का सिस्टम है वो हाथ से क्लच कंट्रोल होता है, लेकिन गाड़ी में क्या होता है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर वो सारा पाँव से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, तो जब आपका पुराना सीखी हुई चीज़, पुरानी सीखी हुई चीज़ नई सिचुएशन में हेल्प करे, तो वो आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं, इसलिए आपके टास्क क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अभिप्रेरित व्यवहार केंद्रित होता है, यानी कि मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो डायरेक्टेड किसको करता है। अब अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो मोटिवेशन कहाँ तक ले जाती है आपको, आपके लक्ष्य तक लेके जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण प्रभाव प्रबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर हमें कारण और प्रभाव का संबंध पता करना है कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड से। अब क्यों का जवाब आपको कौन देगा, वो आपको एक्सपेरिमेंट देगा कि ऐसी चीज़ क्यों हो पा रही है। अगर आप उस चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक पेड़ है और वहां से एक सेब जो है वो नीचे गिर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, तो वहां से आप चेक नहीं कर सकते कि ये चीज क्यों हो रही है। आपको बस इतना पता चल रहा है कि सेब उस पेड़ से नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो जब तक आप उस चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, यानी कि आपको क्यों कहाँ कैसे इन सभी का जवाब कौन देगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का कार्य नहीं है, एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में वो चीज़ हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में बाल विकास होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट तो होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है पाठ्यक्रम विकास में सहायता, तो हमारे करिकुलम को भी क्या करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी तो डायरेक्ट रिलेट करती है हमारे करिकुलम से, करिकुलम यानी कि सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, तो ये डायरेक्ट रिलेट करता है। उसके बाद ऑप्शन डी में कहा गया शिक्षण के उपयुक्त तरीकों की पहचान करने में मदद करना, तो जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी किसके साथ जुड़ी है, टीचर और स्टूडेंट के साथ जुड़ी है, कि किस तरीके से बच्चा उन चीज़ों को समझ पा रहा है, तो डायरेक्ट रिलेट करता है टीचिंग के साथ, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो इसके साथ मैच नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसमें बताया गया किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना, यानी कि हम सोसाइटी में, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग ही प्रकार के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें नहीं बताती। एजुकेशन साइकोलॉजी डायरेक्ट रिलेट करती है स्टूडेंट और टीचर के साथ, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, आपको ध्यान रखना है टीचिंग और लर्निंग, एक तरीके का जो स्कूल है तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी रहती है। ऑप्शन सी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्वेश्चन समझाया था, उसमें मैंने कहा था कि लर्निंग डायरेक्ट रिलेट करती है किससे, मोटिवेशन से। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 3। मैंने यहाँ पे बताया था ऑप्शन नंबर डी में कि मोटिवेशन डायरेक्ट किससे रिलेट करती है, लर्निंग से रिलेट करती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मोटिवेशन ही रहेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोटिवेशन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, वो कहां से आएगी, वो मोटिवेशन से आएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेशन की फॉर्म में क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे, डेफिनेशन कही गई, स्टेटमेंट कही गई कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल
इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, ये बात कही थी वुडवर्थ ने, ये क्वेश्चन आपको कराया गया है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट ही लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति या सीमित गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि अनयूजुअल रिपीटेड बिहेवियर जो होता है, ठीक है, बच्चे का, तो वो किस चीज को शो करता है। अगर आप किसी अगर आप बच्चे को जो है एक बार मना कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा बार बार उस चीज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, या आप ये बोल सकते हो कि आप बार बार उस चीज को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपको ये चीज नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो ये जो लक्षण होते हैं वो होते हैं ऑस्टिज्म के स्वलीनता एक तरीके की आपकी, आप बोल सकते हैं इसमें कि एक डिसऑर्डर है बच्चे के अंदर, कि आप बच्चे को बार बार मना करते हो, ठीक है, उस वजह से बच्चा वो नहीं मानता है। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि आपको मिट्टी से नहीं खेलना है, तो बच्चा बार बार उसी की तरफ जाएगा, ठीक है, कि उसको जो है वो मिट्टी से खेलना ही खेलना है। तो यहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो कई बार जो है वो अनयूजुअल हो जाता है, ठीक है, असामान्य पुनरावृत्ति होती है व्यवहार की, इसलिए ऑप्शन ए स्वलीनता इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोलवा के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है, यानी कि उसकी स्टेजेस कितनी है। कोलवर्ग ने ये क्वेश्चन आपको कराया है, कोलवर्ग की कंप्लीट थ्योरी जो है वो आपको कराई गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसमें, जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस करवाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 6 स्टेजेस करवाई गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर स्टेजेस की जगह आपको अगर लेवल पूछ लिया जाता है, तो लेवल उसके थे 3, उसके कितने लेवल थे, 3 लेवल थे। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, दूसरा था कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इसके अंदर 6 स्टेजेस थी, ये आपके 3 लेवल आ गए, ठीक है, 3 लेवल आ गए। सबसे पहला कौन सा है, प्री वाला, उसके बाद है कन्वेंशनल, फिर है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ये आपका प्री है, ये आपका कन्वेंशनल है, और ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल है। अब इसके अंदर दो दो चीज़ें थी आपकी, ठीक है, प्री में 2 चीज़ें थी, जो इसके चरणों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके जो चरण हैं कितने चरण हैं, तो टोटल 6 चरण हैं। तो सबसे पहला था पुनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ये आपका प्री में आता है। उसके बाद दूसरा जो था वो था यहाँ पे फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है, या टिट फॉर टैट भी इसको बोलते हैं, अगर बच्चा अपनी टॉफी शेयर करेगा तभी दूसरे वाला भी जो है वो शेयर करता है। तो ये 2 चरण जो है वो प्री में आते हैं, उसके बाद तीसरा और चौथा जो है वो आपके कन्वेंशनल में आते हैं, फिर 5वां और 6वां जो है वो आपके पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं। तो टोटल स्टेजेस कितनी है, 6, और लेवल कितने हैं आपके, 3। लेवल कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। मैं एक बार स्टेजेस रिपीट कर देता हूँ, पहली थी आपकी पुनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दूसरी थी टिट फॉर टैट, तीसरी थी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, चौथी थी आपकी लो एंड सोशल ऑर्डर, 5वीं थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और 6ठी थी आपकी, लास्ट थी यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स या फिर ओरिएंटेशन। तो टोटल 6 स्टेजेस जो थी वो बताई गई थी कोलबर्ग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि लर्निंग को कौन सी चीज जो है वो इफेक्ट नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहला है सोशियो इमोशनल क्लाइमेट, सोशल है, फिजिकल है, ये सारी चीजें जो है बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी है फीडबैक, तो बच्चे के लिए फीडबैक जरूरी है, ठीक है, बच्चे के लिए क्या फीडबैक जरूरी है। अगर आप डेली कोई चीज कर रहे हो तो आप वो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो वो चीज आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, आपको फीडबैक देना जरूरी है, आपका रिजल्ट, आपकी इवैल्यूएशन जरूरी है। तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से जो है वो बच्चा लैग कर जाता है लर्निंग में, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा एसआर सिद्धांत बिना पुनर्वलन के है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात की जा रही है, तो वो आपकी है पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर
डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पैबलोव की थ्योरी हमने डिस्कस की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे थॉर्नडाइक की थ्योरी हो, स्किनर की थ्योरी हो, हल की थ्योरी हो, पैबलोव की थ्योरी हो, इससे रिलेटेड जो एनिमल्स इनके द्वारा यूज़ किए गए थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर अध्ययन किया था, पिछले कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। स्किनर ने कबूतर के ऊपर कार्य किया था। गैसोल्ट ने जो है वो सुल्तान के ऊपर जो एक मंकी था उसके ऊपर किया था। हल ने भी कबूतर के ऊपर कार्य किया था और पैबलोव ने जो है वो डॉग के ऊपर कार्य किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थ्योरियां आपको कराई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये थ्योरियों के आपके लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने कहा था, लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट या विटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये जो शब्द यहाँ पे बच्चे के लिए कहे गए थे तो ये कहे थे बायोस्की ने। बायोस्की जो उसकी थ्योरी थी वो सोशियो कल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी इंटेलिजेंस की लगभग 10 से 12 थ्योरियां हमने जो है वो पेड क्लासेस में पढ़ी हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बना है, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो ये आपके द्वारा ये दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर बार जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का चैप्टर करवाया है तो बार बार मल्टी फैक्टर थ्योरी की जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति का चेतन मन उसी वस्तु या गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, आप क्वेश्चन के ऊपर क्या कर रहे हो, अटेंशन लेके जा रहे हो, अपना ध्यान वहाँ पे रख रहे हो, तो उसको कहा जाता है अटेंशन। जैसे कई बार बोलते हैं कि अटेंटिव होके आपने सुनना है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अटेंशन। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय जो है वो चेतना के विज्ञान को स्वीकार करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का जो ये कहता है कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। देखिए हमने चार मेन एस्पेक्ट पढ़े थे, सबसे पहला था स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी को चार ब्रांचेस में डिवाइड किया, सबसे पहले जो अरस्तु आए थे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है। फिर दूसरे नंबर पे जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है, यानी कि मन का विज्ञान है। तीसरे नंबर पे आया चेतना का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और लास्ट आया था स्टडी ऑफ बिहेवियर। फाइनली उसको हमने वहां पे क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि साइकोलॉजी एट द एंड क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही कि चेतना का विज्ञान कौन बताता है, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म बताते हैं, संरचनावाद। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, कोल का ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। देखिए हमने इंटेलिजेंसी के टाइप के बारे में पढ़ा था, एक कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। तो वो किस चीज को शो करता है, वो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण को शो करता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट की, पर्टिकुलर बच्चे की जो है वो क्या की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जाता है। ये जब हमने इंटेलिजेंसी का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे डिफरेंट इंटेलिजेंसी के टेस्ट पढ़े थे कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट को शो करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक विद्यार्थी को हमेशा 10 सही पंक्तियां लिखने के बाद 2 टॉफियां मिलती हैं। जैसे कि टीचर ने कहा कि अगर आप 10 सही लाइन अगर आप लिखते हो तो आपको ये रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा, 2 टॉफियां या 2 चॉकलेट आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे वो चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है, किस पुनर्वलन को शो कर रही है, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, सतत है, आंशिक है, निश्चित है या निश्चित अनुपात है। देखिए यहाँ पे जो है वो एक फिक्स्ड चीज़ कर दी, ठीक है, टीचर ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि अगर आप 10 पंक्तियां लिखोगे तभी आपको 2 टॉफियां मिलेंगी। तो ऑप्शन आपके सी और डी में ही आएंगे क्योंकि टीचर ने एक फिक्स स्टेटमेंट कर दी। ठीक है, जैसे कि मैं एक फिक्स स्टेटमेंट क्या करता हूँ कि अगर आपके 33 मार्क्स आएंगे तभी आप क्या होंगे, पास होंगे।
आपको पता है कि जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें 33% आपको चाहिए, 1/3 आपके मार्क्स होने चाहिए। तो 33% का मतलब क्या है, वहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, तो ये चीज़ क्या आपकी फिक्स है, अगर आपके 32 मार्क्स हैं तब आप पास की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे टेट का एग्ज़ाम है तो जर्नल के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, अगर किसी के 89 है तो इसका मतलब है वो एक नंबर से तो रहा है लेकिन वो पास नहीं है, वो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया रखा है। तो यहाँ पे बात क्या की गई कि अगर 10 लाइनें लिखते हैं तो 2 टॉफी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो बांटी गई है, अगर आप 10 लाइनें लिखते हैं तो आपको 2 टॉफियाँ मिल गई। अगर आप मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मैं 12 लाइनें लिखता हूँ तो क्या मेरे को वहाँ पे 2.5 टॉफी मिलेगी, या सिर्फ 2 मिलेंगी या 3 टॉफियाँ मिलेंगी। तो ये एक फिक्स्ड रेशो की फॉर्म में आपको बताया कि अगर 10 लाइनें होंगी तो 2 टॉफियाँ, 20 लाइनें होंगी तो 4 टॉफियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी, ये एक अनुपात की फॉर्म में आपको बताया है, फिक्स्ड रेशो, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन को सबसे पहले आसान तरीके से समझें कि क्या बात वहां पे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तुकार में निम्नलिखित में से कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाती है। देखिए आज के पेपर में यहाँ पे इंटेलिजेंसी के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पिछले कल का क्वेश्चन था उसमें हमने जीन पियाजे की थ्योरी के 4 क्वेश्चन वहां पे पढ़े थे, तो इसलिए हर कोई चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक वास्तुकार में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि पाई जाती, कौन सी इंटेलिजेंटी होती, इंटेलिजेंस होता है एक आर्किटेक्टर में, जो आर्किटेक्टर होता है उसके अंदर जो है वो कौन सी इंटेलिजेंसी होती है। तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है वो होती है स्पेशल इंटेलिजेंसी, स्थानिक बुद्धि, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर सोशियो कल्चर की बात आएगी तो आपका वायोस्की जो है वो राइट आंसर आएगा, लेकिन अगर सोशल लर्निंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बंडूरा की थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, सोशल लर्निंग की थ्योरी, ठीक है। आपकी अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है, ये हमने पढ़ी है जहाँ पे पैवलो की थ्योरी पढ़ी थी, स्किनर की थ्योरी, हल की थ्योरी, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कराया है। तो बंडूरा की थ्योरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, देखिए पियाजे हर किसी पेपर में पूछा जाता है, तो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। शब्दावली किस में वो शुरू करेगा, सेंसरी मोटर जो होती है वो 0 से 2 साल तक होती है, उसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस वो सेंसरी मोटर में आता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तभी वो सीखेगा, बोलना शुरू करेगा, वोकैबुलरी कब आएगी उसको, जब वो 2 से लेकर 7 साल में होगा, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसकी, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं, सबसे पहले सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट है, और उसके बाद है फॉर्मल, ठीक है। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हैं, बच्चा वोकैबुलरी कब शुरू करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में शुरू करता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें आपसे पूछा गया मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं, ये प्योर एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये अभी वृद्धि के बिना संभव है, यानी कि ग्रोथ के बिना संभव है। थर्ड है कि कंप्लीट होता है मेच्योरिटी, जब बच्चे के अंदर बच्चा मेच्योर हो जाता है तभी उसका विकास जो है वो पूरा हो जाता है। नहीं, डेवलपमेंट जो है वो हमारी लगभग लाइफ टाइम तक हमारी जो है वो चली रहती है, ग्रोथ कुछ टाइम का रुक जाती है। और लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव जो है वो ग्रोथ होती है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि डेवलपमेंट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। देखिए ग्रोथ जो है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ डिपेंड करती है किसके ऊपर, ग्रोथ डायरेक्ट डिपेंड करती है डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका डायरेक्ट डिपेंड ग्रोथ के ऊपर नहीं करता। अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ होगी तो वो जरूरी नहीं है, उसके बिना भी वो चीज़ पॉसिबल है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो ये आपके आपके लिए आज के जो हैं वो HP टेट नॉन मेडिकल 2023 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया। ये आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर था HP टेट नॉन मेडिकल का। ये हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से जिस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा रहे हैं उस तरीके से अपनी आप तैयारी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।